वडनगर विधायक पहुंचे हाथों में तख्तियां लेकर तहसील कार्यालय जिनमें लिखा हुआ था कि क्षेत्र में जुआ सट्टा बंद करवाओ, क्षेत्र में जो अवैध गतिविधि चल रही है और गांजा और अन्य चीजें अवैध तरीके से बेची जा रही हैं या इनका गोरख धंधा चल रहा है, इस पर ज्ञापन देकर SDM से कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर अब भाजपा वडनगर के नेताओं से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं चल रही हैं। इसी के साथ ही हमारे द्वारा कांग्रेस के भी पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया से बात की गई तो उनका कहना था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ नहीं। आपको बता दें कि यह कांग्रेस के ही विधायक है जो पूर्व में बडनगर क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने वर्तमान कांग्रेसी विधायक मुरली मोरवाल के बारे में कहा कि पूर्व में भी जुआ सट्टा और अन्य गतिविधियां चलती थी, यह कोई नई बात नहीं है और ये सारी चीजें क्षेत्रीय विधायक जी जनप्रतिनिधि को पता होती हैं। विधायक अगर चाहे तो इन पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर कार्रवाई कर सकते हैं। रैली के बारे में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ नहीं। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है जबकि और बीजेपी सरकार को आए अभी 3 महीने हुए हैं जबकि कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही, इसमें कितना कुछ हुआ है यहाँ किसी से छुपा नहीं है और जनता 1.5 साल से कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी थी। कांग्रेसी विधायक और मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही थी, इस कारण सरकार बदली। 1.5 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, हर जगह लोग परेशान थे, ऐसा भाजपा का आरोप भी कांग्रेस पर है। मेरे ख्याल से तो ये कुल मिलाकर के एक राजनीतिक नौटंकी थी और अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो विधायक स्वयं सक्षम है, प्रशासन से बात करके जानकारी ले भी सकते थे और प्रभावी कार्य करने के लिए निर्देश भी दे सकते थे। इसमें विधायक का कहना है कि सिर्फ भाजपा शासन काल में ही हो रहा है। अब ये सट्टा जुआ कोई 1 महीना 2 महीना में तो नहीं पनप सकता, ये सट्टा जुआ नशा जो भी इस प्रकार की चीजें ये तो कई सालों से चल रही है चीजें और ये सारा प्रशासन को भी पता है, विधायक को भी निश्चित रूप से पता होगा, अगर वो जनप्रतिनिधि है तो जानता होगा कि कौन लोग ये करते हैं। विधायक मुरली मोरवाल अवैध गतिविधियों के खिलाफ और भाजपा शासन के खिलाफ खुद SDM कार्यालय पहुंचे और बोला कि क्षेत्र में जुए सट्टे और शराब माफियाओं का राज हो गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, इस संबंध में आपका क्या कहना? विधायक जी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी बात को प्रदेश से लेकर जिले से लेकर सारे अधिकारी सुनते हैं। उनको यदि उनके जानकारी में है कि बडनगर में अवैध जुए सट्टे चल रहे हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, उन्होंने अब तक इसको छुपा के क्यों रखा, इसको उजागर क्यों नहीं किया? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देना चाहिए, यदि उनकी नहीं सुनी जाती है तो आप वो हमें बताएं, हम बात करेंगे। उनका जानकारी में उनका ये कहना है कि भाजपा शासन में ही हो रहा है। यह 3 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए हैं आए को, लेकिन यदि वो आरोप लगाने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे तो कितना कहना हास्यास्पद है। पूरा शहर जानता है, पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं कि 1.5 साल में जनता कितनी प्रताड़ित हुई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की जानकारी विधायक जी को है तो उनको स्वयं को रुचि लेकर इन सारे उद्योग जो आरोप लगा रहे हैं उन सारे आरोपों की सत्यता की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी का पर ये लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के गलत धंधे वाले लोगों को प्रश्रय नहीं देती है और मेरी जहां तक जानकारी में बडनगर में इस तरह की किसी भी गतिविधि यहां संचालित नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि विधायक जी आरोप लगा रहे हैं तो हम प्रशासन से बात करेंगे और उसकी जानकारी निकलाएंगे। जी बताएं, जो विधायक ने कोर्ट में तख्तियाँ लेकर पहुँचे और कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ चल रही है, विधायक होने के नाते क्या उनका ये निर्णय ठीक था, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के तहत इस तरीके से वहाँ तक जाकर जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ इस बात को लेके मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न माननीय विधायक से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी समस्या थी जिसको लेकर उन्हें वहाँ जाना पड़ा और उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया। इस बात का श्रेष्ठ जवाब मैं समझता हूँ कि बैंक ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें किन समस्या किस चीज़ों से समस्या थी इसका स्पष्टीकरण कोई दे पाए। विधायक जी का ये कहना है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं और ये बीजेपी शासन में ही चल रहा है। चूँकि जनप्रतिनिधि है और मैं समझता हूँ कि उनके पास ज़्यादा जानकारियाँ होंगी और चूँकि ये अवैध गतिविधियाँ आज से पहले पहले से भी संचालित होगी, इसलिए इस मामले को लेकर तहकीकात पूरी करना चाहिए और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इस मामले को तहकीकात में जाके तो समझ कर प्रशासन के साथ बैठ के तालमेल बिठा के उन व्यवस्थाओं से निजात दिलवाने का प्रयास करना चाहिए।
वर्तमान में कोरोना दौर चल रहा है और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक जी ने सैकड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए रैली निकालने संबंध में आकर गए। चूंकि प्रशासन के सामने सब कुछ हुआ है तो प्रशासन ही इस बात का जवाब दे पाएगा कि उनके सामने, चूँकि वो बाकी वो जगह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कि जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुशासन बनाए हैं उसके तहत प्रशासन की क्या मर्यादाएँ और क्या सीमाएँ है कि माननीय SDM साहब और प्रशासन बता सकता है अच्छे से ऐसा क्यों होगा। रोल आपके जो बंडागर तहसील के विधायक है वो हाथों में तख्तियाँ लेकर पहुंचे कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही हैं और BJP शासन काल में ही ऐसा हो रहा है, इस संबंध में शिवसेना का क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कि चूंकि वो स्वयंभू एक ऐसे नेता है, प्रतिनिधि है, जनता के नेता है, जन नेता है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उनको स्वयं ही उस चीज पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं विधायक है और खास करके बड़नगर तहसील का, बड़नगर नगर का प्रशासन उनके अधीन है, तो अपने अधीन होने के साथ वो स्वयं उस पर कार्रवाई कर सकते थे इन सब चीज़ के अलावा भी। जी अभी वर्तमान में कोरोना का दौर चल रहा है और शासन ने सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी ने सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके रैली के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी कार्यालय पहुँचे और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिम्मेदार प्रतिनिधि है तो उनको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना चाहिए था और खास करके वहाँ के प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए था। SDM साहब हर बात पर हर जगह जब इन सब चीज़ों के माध्यम में बोल रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था, और चूंकि विधायक जी एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं तो उनको खास करके इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। जी बताएं, कल विधायक मुरली मोरवाल ने एक रैली निकाली थी जो सैकड़ों की तादाद में लोग उसमें उपस्थित थे, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, फिर भी विधायक जी ने इसकी धज्जियाँ उड़ाई और क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब, गांजा और जुआ सट्टा को बंद। देखिए, हम लोगों से अगर अपेक्षा है कि वो कोरोना काल में नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी इसका पालन करना आवश्यक है। और जहाँ तक विधायक जी की बात है तो विधायक जी जैसे पद पर रहते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनके ही जीवन की बात नहीं है, ये आम लोगों के जीवन की बात है और उनके इस गलती की वजह से कई लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि अवैध कारोबार को लेकर कल माननीय विधायक जी ने शासन को ज्ञापन दिया है, तो मेरा यह कहना है कि अवैध गतिविधियों तो पिछले 15 महीने में चल रही थी और इसकी जानकारी अगर आप हो तो खुद कांग्रेस के विधायकों ने बात कही है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शासन की जितनी भी जनकल्याणकारी योजना जो माननीय शिवराज जी ने जो चालू की थी वो सारी कांग्रेस ने बंद की, मंत्रालय में आम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, मंत्रालयों में दलाल लोग घूमते थे, तो 15 महीने में हाहाकार मचा हुआ था प्रदेश में और इसी की परिणति हुई कि आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार बनी है और कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चला सकती है और इस प्रदेश का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, इसलिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो इसमें ये स्पष्ट है, ये जो अवैध शराब, अवैध गांजा और जुआ सट्टे के मामले में जो विधायक जी ने बोला कि ये भाजपा शासन में चल रहा है, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो 15 महीने भी ये चरम सीमा पर था और अभी तो उस पर लगाम लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश से ये जो नशा कारोबारी हैं इन पर लगाम लगाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं और निश्चित रूप से नीचे स्तर पर भी इस पर काम हो रहा है। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट।